परिव्राज का सहज स्तोत्र सत्श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। अष्ट सखी वृंद की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुंदरादि पाश्चात देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातिशय नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीवसंगितः। सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः महद्भिर स्वकृतये भूतैर महद्भिर स्वकृतये कृतानां जीवसंगितः। सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर महद्भिर स्वकृतये कृतानां जीवसंगितः।
माता जी शब्दार्थ तस्मात् इसलिए सर्वेषां समस्त अपि निश्चय ही भूतानां जीवों में से हरे भगवान जो जीव के कष्टों को समन करने वाले हैं आत्मा जीवन का आदि स्रोत ईश्वर पूर्ण नियंता प्रिया प्रिय भूते पांच भौतिक तत्वों द्वारा मद भी समग्र भौतिक शक्ति महत्त्व से उद्भूत स्वकृते जो स्वतः प्रकट होते हैं कृतानाम उत्पन्न जीव संगीता जीव के नाम से ज्ञात क्योंकि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति के अंश हैं। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीवों के आत्मा तथा परमात्मा हैं। प्रत्येक जीव जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्राकट्य है। अतः भगवान अत्यंत प्रिय हैं और परम नियंता हैं। अब दोहराएंगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीवों के आत्मा तथा परमात्मा हैं। प्रत्येक जीव जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्राकट्य है। अतः भगवान अत्यंत प्रिय हैं और परम नियंता हैं। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी विविध शक्तियों भौतिक आध्यात्मिक या तटस्था शक्तियों द्वारा प्रकट होते हैं। विश्व भौतिक जगत में समस्त जीवों के आदि स्रोत हैं और हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। यद्यपि जीव अपने विभिन्न प्रकार के शरीरों का कारण है किंतु शरीर तो भगवान के आदेशानुसार प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन सबों को घुमा रहे हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने एक यंत्र पर आरूढ़ हैं। भगवद्गीता 18 अध्याय श्लोक 61 में कहा गया है यह शरीर एक यंत्र या कार के समान है जिसमें जीव को बैठकर इच्छानुसार घूमने का अवसर प्रदान किया जाता है। भगवान भौतिक शरीर तथा आत्मा के आदि कारण हैं जो उनकी तटस्था शक्ति के कारण विस्तार करता है। परमेश्वर समस्त जीवों के सर्वाधिक प्रिय हैं। अतः प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को जो असुरों के पुत्र हैं सलाह देते हैं
कि वे पुनः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें. हरे कृष्ण. जय श्री प्रभुपाद. श्री प्रहलाद महाराज असुर बालकों को उपदेश कर रहे हैं. उन लोगों ने पूछा कि प्रहलाद तुम्हारी उम्र और हम लोगों की उम्र है लगभग एक बराबर है, तुमको ये ज्ञान कहाँ से मिला? तुम कहते हो कि नारद जी से मिला, लेकिन नारद जी तो ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं, वे अंतःपुर में जाते नहीं हैं, और तुम बच्चे थे तो तुम अपनी माँ के साथ रहते थे, तो नारद जी से भेंट हो गई, ये हम लोग कैसे माने? तो इस पर प्रहलाद महाराज ने एक कथा सुनाई कि मैं वास्तव में गर्भ में था माँ के, और भगवान की कृपा से मुझे याद है देवराज इंद्र मेरी माँ को ले जा रहे थे. मैं चूंकि पिता का हिरण्यकश्यपु का अंश था गर्भ में, तो इंद्रदेव को यह शंका हो गई कि यह भी असुर होगा, इसलिए मेरा वध करने के लिए ले जा रहे थे. बीच में नारद जी मिल गए, वे कहे कि छोड़ दो इसको, यह बेचारी रो रही है. तो इंद्र ने कहा कि यह गर्भवती है, इसका पुत्र भी बहुत बड़ा असुर होगा, अतः मैं उस इसके बच्चे को मार करके इसको छोड़ दूंगा. तब नारद जी ने कहा नहीं, यह असुर नहीं, बहुत बड़ा भागवत पुरुष होगा इसके गर्भ में, और तुम में शक्ति नहीं है कि इसका वध कर सकोगे, यह बहुत बलवान है. तो नारद मुनि की बात मान करके इंद्रदेव मेरी माँ को छोड़ दिए. तब मेरी माँ नारद जी के आश्रम में आई, बद्रिकाश्रम में, और वहीं पर नारद मुनि की यथाजोग सेवा करती थी. नारद जी मेरी माँ पर बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने भागवत धर्म का उपदेश किया माँ के लिए और गर्भस्थित मेरे लिए भी. परंतु माँ चिंता में थी, अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा में थी, और मेरे लिए उसको चिंता थी. मैं ज्ञान ग्रहण कर लिया, लेकिन मेरी माँ ने ग्रहण नहीं किया, ठीक से ग्रहण नहीं किया. बहुत काल बीत जाने से वो भूल गई इस ज्ञान को, और मैं नारद जी के अनुग्रह से अभी भी ज्ञान याद रखा हूँ, तो उसी ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं. इसका शीर्षक है प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा. जब बच्चा थे प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में, उसी समय परम ज्ञान हो गया, भगवान के परम भक्त हो गए. तो वही गर्भ में याद की हुई कथा को असुर बालकों को सुना रहे हैं. तो उसी में से यह श्लोक है, नारद जी जो कहे हैं उसी को कह रहे हैं. प्रहलाद महाराज कहते हैं सर्वे सामपि भूता नाम हरि रात्मेश्वर प्रिया. हे असुर बालकों, भगवान हरि सभी जीवों के आत्मा है, परम आत्मा है, सबके नियंता हैं, सबको कंट्रोल करने वाले हैं, और सबके परम प्रिय हैं. वास्तव में किसी भी जीव को
आत्मा ही परम प्रिय है। इस शरीर में जब तक आत्मा रहता है तब तक ये शरीर अच्छा लगता है, और ज्यों ही आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाता है इस शरीर को मृतक कहा जाता है। तो वास्तव में प्रेम है आत्मा से, शरीर से नहीं, क्योंकि आत्माहीन शरीर से कोई प्रेम नहीं करता है। अगर किसी को किसी से प्रेम है तो तब तक है जब तक आत्मा शरीर में है। आत्माहीन शरीर तो निर्जीव हो जाता है, कोई प्रेम नहीं करता है। तो वास्तव में प्रेम के विषय श्री हरि हैं, कृष्ण हैं, सबके प्रिय हैं। इसलिए तुम लोगों का ये कर्तव्य है कि ऐसे भगवान से प्रेम करो, भक्ति करो। क्योंकि हरि पंच महाभूतों के द्वारा शरीर का निर्माण किए हैं, उन्हीं की शक्ति है पंच महाभूत, भौतिक शक्ति। तो उन भौतिक शक्तियों के मिश्रण से भगवान ने सबका शरीर बनाया है, और शरीर बना करके सबके शरीर में रहते हैं। भगवान शरीर बनाए सबका और अपनी शक्ति से सबके शरीर में है। भगवान कोई दूर नहीं है। जीव संगीतः, श्री भगवान जीव की संज्ञा धारण करके सबके अंदर हैं। इसलिए ऐसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यही उपदेश का सार है। श्री भगवान हैं और सबके अंदर ही हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में है और वो ईश्वर मैं ही हूँ। ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्रा रूढ़ानि माया। ये शरीर भगवान की भौतिक शक्ति से बना है और इसमें जो जीव है वो भगवान की तटस्था शक्ति है। ये शरीर ऐसा है जैसे कोई यंत्र हो, जैसे कार, कार पर बैठा हुआ जीव। शरीर यंत्र पर बैठा हुआ है, मैं उसे घुमा रहा हूँ। इसकी जहाँ इच्छा होती है वो वहाँ घुमाता हूँ, मैं ही ले जाता हूँ शरीर के भीतर रह करके। शरीर तो जड़ है, उसमें चेतना दे करके, जीवन दे करके, जीव संगीता मैं ही चलाता हूँ। भ्रामेण सर्वभूतानि जंत्रा रूढ़ानि माया। सभी जीवों को मैं चला रहा हूँ। जीव जंत्रा रूढ़ हैं, मशीन पर बैठे हुए हैं। तो केवल वही मशीन मशीन नहीं है जिसको हम कार कहते हैं, बस कहते हैं, या ट्रेन कहते हैं, वायुयान कहते हैं। ये शरीर को भगवान यंत्र कह रहे हैं, ये मशीन है, इस पर जीव बैठा हुआ है, लेकिन भगवान घुमा रहे हैं। चलने की शक्ति, घूमने की, देखने की शक्ति सब वही दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं भ्रामयन सर्वभूतानि, सभी जीवों को मैं भ्रामयन घुमा रहा हूँ। अपनी माया शक्ति से
कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, शरीर भी दिया है कृष्ण ने और शरीर में घूमने की शक्ति भी वही दे रहे हैं। तो श्री भगवान इस तरह सबके हृदय में हैं, बहुत निकट हैं। अतः उनकी भक्ति के भक्ति करने के लिए उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो हृदय में हैं ही। ततो हरो भगवती भक्तिम कुरुत दानवा, इसलिए हे दानवो ऐसे सर्वव्यापक श्री कृष्ण की भक्ति करो। आत्मोपमेन सर्वत्र, सर्वात्मनि, सब जगह भगवान की भक्ति करो और सबको अपने समान समझो। आत्मोपमेन सर्वत्र, आत्मोपमन, जैसे तुम अपना केयर करते हो, अपना ध्यान रखते हो, ऐसे सभी जीवों पर ध्यान रखो, क्योंकि सब में भगवान है। जैसे तुमको दुख होता है, सुख होता है, ऐसे ही सभी जीवों को सुख दुख होता है, उनके सुख दुख को समझो। सबसे बड़ा दुख क्या है? कृष्ण को याद न करना, यही सबसे बड़ा दुख है। यह सुख तब मिलेगा जीव को जब वह कृष्ण भावना भावित होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज के कहने का आशय है कि जैसे तुम सुख चाहते हो, कृष्ण भावना चाहते हो, इसी तरह से सभी कृष्ण भावना भावित हो सकें, ऐसा प्रयास करो, भक्ति करो और इसके साथ प्रचार करो। एडिशनल ड्यूटी भगवान दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमित हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिन लोगों को भारतवर्ष में जन्म मिला है, उन पर यह विशेष जिम्मेवारी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु दिए हैं, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जाए, मनुष्य जन्म मिला इस पवित्र देश में, महाराज भरत के देश में, भरत के राज में, भारत भूमि में। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इस देश में जन्म ले करके भगवान की भक्ति करना, यह एक काम है। दूसरा काम है प्रचार, जिससे सभी को कृष्ण का ज्ञान हो सके। सभी दुखी हैं, बहुत कष्ट भोग रहे हैं कृष्ण भावना के बिना। इसलिए आत्मोपमेन, अपने समान ही सभी जीवों को सुख देने का प्रयास करो। पर उपकार करो, पर उपकार। भगवान ने कहा कि भजन करो, भक्ति करो और जन्म सार्थक करो, इसके साथ पर उपकार, दूसरे का उपकार करना चाहिए। यदि सभी ये जिम्मेवारी ले लें तो बहुत जल्दी सबका कल्याण हो सकता है। एक व्यक्ति अगर दो चार व्यक्ति को भी कृष्ण भावना भावित बनावे तो बहुत ज़्यादा प्रचार हो सकता है। अपने परिवार में, अपने गांव में और अपने राज्य में, देश में धीरे धीरे प्रचार होते होते सब जगह प्रचार हो सकता है।
श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता दिया है, इसके उपदेशों को सुना करके लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाया जा सकता है। यह पर उपकार है, दूसरे का हित, दूसरे की भलाई करना। हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, ये बहुत अच्छा है। भली भारत भूमि शरीर भलो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह बहुत अच्छी भूमि है। इस अच्छी भूमि में मनुष्य शरीर मिलना बड़ा कठिन है, तो भूमि भी प्राप्त हुई और मनुष्य शरीर भी मिला। और उसके बाद मनुष्य शरीर तो मिला ही, बहुत बड़ा समाज मिला, बहुत सुंदर समाज, जैसे इस्कान कृष्ण भावना भावित समाज भी मिला, भक्तों का संग मिला। भक्तों का समाज मिल गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। तो ऐसे समाज को पा करके जो भजे भगवान शयान सोई, जो वही अच्छा है जो भगवान का भजन करता है। घाम सह करके, आंधी सह करके, जाड़ा सह करके और अनेक प्रकार के दिक्कत को सह करके जो भगवान का भजन करे वो अच्छा है। न तू और सबय विष बीज वय हर हाटक काम दुघा नहीं कहे। जो व्यक्ति भजन नहीं करता है भारत वर्ष में जन्म लेकर के, तो वह उस तरह से घाटा में रहता है। जैसे मान लीजिए किसी को खेती करनी है, उसको सोने का हल दे दिया गया और जोतने के लिए बैल के रूप में कामधेनु दे दिया गया, तो हल भी प्राप्त किया सोने का और कामधेनु जो वृषभ या गाय इच्छा मात्र से सब कुछ दे सकती है, ऐसे कामधेनु को जोत करके सोने के हल में और क्या बीज बोया, विष का बीज बोया। सोने का हल पा करके, कामधेनु पा करके और विष का बीज बोया, कितना बड़ा घाटा है। यदि भक्ति नहीं करते हैं तो इस तरह से हम मूर्ख हैं। बहुत सुंदर देश प्राप्त हुआ, सुंदर समाज प्राप्त हुआ, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और उस मनुष्य शरीर में भी यदि कोई रोग नहीं है, सुंदर शरीर है, स्वस्थ शरीर है और फिर भी कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा घाटा है। जैसे सोने का हल प्राप्त हो, कामधेनु प्राप्त हो और फिर भी व्यक्ति खेती करे, वो भी विष बोए, विष का बीज बोए, तो कितनी बड़ी मूर्खता है। यह शरीर भोगों के लिए नहीं है, भक्ति के लिए है। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्व हरौ भगवती भक्तिम कुरुत दानवा, इसलिए भगवान हरि की भक्ति करो। आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वभूतात्मनिश्वरे, भगवान सर्व जीवों के आत्मा हैं, परमात्मा हैं, ऐसे हरि की भक्ति करो। तो बच्चों ने पूछ दिया, भक्ति तो ब्राह्मण करते हैं, देवता करते हैं, ऋषि करते हैं, हम तो राक्षस हैं, हम कैसे करेंगे? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम व असुरात्मजा, हे असुर पुत्रों, भगवान की भक्ति के लिए
ब्राह्मण होना ही कोई जरूरी नहीं है, न ब्राह्मणत्व की अपेक्षा है और न देवत्व की, न ब्राह्मण होने की जरूरत है, न देवता बनने की और न साधु बनने की, ये ऋषि बनने की भी कोई जरूरत नहीं। कोई किसी भी समाज में जन्म लिया है भक्ति कर सकता है। प्रीणनाया मुकुंदस्य न वृतम न बहुज्ञता, मुकुंद को मुक्तिदाता भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सुंदर आचरण जरूरी नहीं है और बहुत ज्ञान भी जरूरी नहीं है। न वृतम न बहुज्ञता, न दानम न तपोनिज्या, न शौचम न व्रतादि, बहुत बहुत दान देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी ऐसा नहीं है कि दान देने से भगवान की भक्ति होगी, या तपस्या बहुत भारी तपस्या करनी पड़ेगी भगवान की भक्ति में, ऐसा नहीं है। न शौचम, और बहुत शुद्ध होंगे, शुद्ध बन करके तब भक्ति करेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। न व्रतानी, और न बहुत बहुत व्रत करेंगे तब भक्ति होगी, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। प्रियते अमलया भक्त्या हरि रन्यत विडम्बनम, भगवान मुकुंद प्रसन्न होते हैं केवल शुद्ध भक्ति से, अन्यत विडम्बनम, भक्ति के अलावा जो कुछ भी है सब नाटक मात्र है, भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए भक्ति करो, सबको अपने समान समझो, सबको सबका दुख मिटाने की चेष्टा करो, परोपकार करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मंगल होगा। देख लो जैसे मैं हूँ, मेरा शत्रु इंद्र मुझे मार नहीं सका, मैं माँ के गर्भ में सुरक्षित था, अभी भी सुरक्षित हूँ और आगे भी सुरक्षित रहूँगा, ऐसे तुम लोगों का भी मंगल होगा। यदि भगवान मुकुंद का भजन करोगे तो सबका कल्याण होगा, जैसे मेरा हो रहा है। मुझे मारने का अनेक प्रयास किया, सबसे पहले तो देवराज इंद्र ने प्रयास किया, उस समय मैं गर्भ में था, फिर भी बच गया, और आगे भी बहुत संकट आएगा, मेरा पिता मेरे विरुद्ध रहेगा, लेकिन मेरी रक्षा करने वाला परम समर्थ हरि है, तो वही हरि तुम लोगों की भी रक्षा करेंगे यदि भगवान की भक्ति करोगे। प्रहलाद महाराज इस तरह से अपना ही उदाहरण दे रहे थे, जैसे मैं स्वस्तिमान हूँ, कल्याण में हूँ, मेरा ज्ञान बना हुआ है, वैसे ही तुम्हारा भी कल्याण होगा, इसलिए सब लोग भगवान की भक्ति करो। भक्ति करने से मैं बचा हुआ हूँ, अतः हे असुर बालकों तुम भगवान की भक्ति करो। दैतेया जक्ष रक्षांसी स्त्री शूद्रा ब्रजोक्षा, भगवान की भक्ति करके कोई भी व्यक्ति शुभ गति प्राप्त कर सकता है, चाहे वो दैत्य हो या राक्षस हो या यक्ष हो। यदि भक्ति करेगा कोई भी व्यक्ति तो भगवान के साथ रहेगा,
उनके दिव्य धाम में। खगा मृगा पाप जीवा संति यच्युतताम गता, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी यदि भक्ति करें तो वे भी भगवान के समान अच्युतता को प्राप्त होंगे। अच्युतता का अर्थ है भगवान अच्युत हैं, अपने ज्ञान से अपने धाम से ये कभी गिरते नहीं हैं। तो इसी प्रकार से यदि भक्ति करोगे तो भगवान के पास चले जाओगे, भगवान के धाम में, वहाँ से कभी इस भौतिक जगत में गिरना नहीं पड़ेगा। संति यच्युत धाम गता, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं इतिहास में। भगवान के साथ रहेंगे उनके नित्य धाम में, उनके जैसा अच्युत बन करके, सारूप्य मुक्ति प्राप्त करके रहेंगे। प्रहलाद जी कह रहे हैं संति यच्युतताम गता, भगवान के धाम में रहेंगे भगवान जैसा बन करके, सुखी हो करके। इसीलिए सब लोग भक्ति करो। इसी उपदेश को सुन करके सभी बच्चे कृष्ण भावना भावित हो गए, कृष्ण का भजन करने लगे। इसी से गुरु लोग घबरा गए और उन्होंने शिकायत किया हिरण्यकश्यपु राजा से कि आपका पुत्र सभी विद्यार्थियों को नष्ट कर दिया। तब हिरण्यकश्यपु अपने हाथ से प्रहलाद जी को मारना चाहा और उसके इस प्रयास को भगवान ने विफल कर दिया। वे नृसिंह देव के रूप में प्रकट होकर के उसी का अंत कर दिए। ये प्रहलाद महाराज का उपदेश बड़ा उपादेय है, सबको इसे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। उनकी सार्वभौम योजना थी जैसे श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद बहुत व्यापक सोचते थे, उनकी दृष्टि बहुत बड़ी थी। वे केवल अपने विषय में या केवल भारत के ही विषय में नहीं सोचते थे, पूरे विश्व के मानवों का कल्याण करना चाहते थे। ये है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्रभुपाद जी का ये हाई थिंकिंग था, ये विचार था। किसी बात को वे सबके लिए सोचते थे, कैसे विश्व का कल्याण होगा। इसी हाई थिंकिंग के कारण श्रील प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस ISKCON की स्थापना किया। इंटरनेशनल सोसाइटी वास्तविक सच्ची सोसाइटी यही है जो जीवों के, मनुष्यों के कृष्ण भावना को जगाने के लिए है। वो कृष्ण भावना हम में है, सब में है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, इसको बाहर से नहीं लाना है। हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है लेकिन डॉर्मेंट है, सो गई है, उसी को जगाना है। ये जगाने का जो उपक्रम है यही परोपकार है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जन्म सार्थक कर करी परोपकार, तो परोपकार अवश्य करना है। भक्ति करनी है, इसके साथ प्रचार करना है जितना हो सके। दो व्यक्ति, चार व्यक्ति, दस व्यक्ति, जितना हम प्रचार कर सके करना चाहिए। प्रचार करने पर भगवान शक्ति देते हैं,
प्रचार करने की और सफलता देते हैं। कभी निराश नहीं होना चाहिए कि लोग बदल नहीं रहे हैं। भगवान की शक्ति से बदल सकता है। एक बार की कथा है, जब भगवान समुद्र पर पुल बांध रहे थे लंका जाने के लिए, तो बहुत चौड़ा पुल था, बहुत लंबा समुद्र को पार करना था। समुद्र में बड़ी भीषण लहरें उठ रही थी और इंजीनियर दो बानर थे नल नील, तो बहुत चिंता होगी कैसे पुल बांधा जाएगा। फिर भी बड़े बड़े बंदर जैसे हनुमान जी, अंगद आदि लगे हुए थे, ये बड़े बड़े चट्टान ला रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ पहाड़ की चट्टान ला करके नल नील को देते थे पुल बांधने के लिए। तो पुल बंद रहा था, एक पर रा लिखा जाता था एक पत्थर पर, एक पर माँ राम, दोनों पत्थर सट जाते थे राम नाम के प्रभाव से। तो पुल बंद रहा था, तो उस समय एक गिलहरी वहाँ आ गई रास्ते में, वो भी कुछ काम कर रही थी। तो श्री हनुमान जी ने शिकायत किया भगवान राम से कि ये रास्ते में आ रही है, दब जाएगी, मर जाएगी, इसको हटा देना चाहिए। तब भगवान ने कह दिया, तुम लोगों को जो करना है करो, उसको भी करने दो। पुल बनाने में वो भी कुछ कर रही है ना। वो दो काम कर रही है, शरीर को पहले पानी में भेल लेती थी, उस शरीर को समुद्र को इस तरह से सुखाना चाहती थी। पानी कितना सटेगा देह में, गिलहरी के देह में, और उसको ला करके पानी को बाहर झाड़ती थी। तो इस तरह से उसका विचार था कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी, और इधर बालू पर आ करके अपने शरीर में बालू लपेटती थी, भींगे शरीर में बालू लपेटती थी, और उसे पुल पर झाड़ती थी कि बालू उसे भरूंगी, जो फांका रह जाता है दो पत्थर के बीच में, उस पर चलने में भगवान को चोट लगेगी चरण में, कोमल पुल बनेगी। तो वो काम कर रही थी, ये दो काम, समुद्र को सुखाने का और पुल पर जो फांका रह गया है उसको भरने का काम, और दो काम कर रहे थे, इसी में व्यस्त थी। और बानरों को डिस्टर्ब हो रहा था कि ये आ रही है, इस पैर पड़ सकता है, लोग उद्विग्न थे। भगवान से कहे, भगवान ने उस गिलहरी को सौभाग्य दिया, अपने कर कमल पर उठा लिया, हाथ पर उठा करके, बाएं हाथ पर रख करके दाहिने हाथ से उसको सहलाने लगे। वही भगवान के अंगुलियों के निशान बने हैं गिलहरी में, आज भी है। भगवान ने बानरों के सामने एक भाषण किया, ये केवल पुल बनाने में एक काम नहीं कर रही, दो काम कर रही है, समुद्र को सुखाने का काम कर रही है और पत्थरों के बीच में जो गैप है उसको भर रही है। आप लोग बड़े बड़े चट्टान ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो सेवा, इसकी जो सेवा है वो भी पूर्ण है।
तो कोई भी सेवा है बहुत महत्वपूर्ण है, कम देखने में लगे लेकिन यदि नियत सच्ची है तो भगवान उसको अप्रिशिएट करते हैं, सराहना करते हैं। सभी बानरों के सामने भगवान ने गिलहरी की सेवा को बहुत अप्रिशिएट किया और हनुमान जी को मना किया कि आप अपना काम कीजिए, इससे डिस्टर्ब मत होइए। तो उतना बड़ा पुल बना, उसमें गिलहरी की छोटी सी सेवा थी, उसको भी भगवान ने सराहा। अतः किसी सेवा को छोटा नहीं समझना चाहिए। श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सबका कर्तव्य है प्रचार करना, जितना भी कर सके उतना ठीक है। कीर्तन करें, गीता डिस्ट्रीब्यूट करें, जितना भी करें यदि संभव है तो एक गांव में या गांव के एक मोहल्ले में या व्यक्तिगत रूप से दो चार लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। गीता पढ़ करके सुनाइए, सबसे बड़ा उपकार यही है। गीता में एक एक श्लोक बड़े महत्व का है। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म समय दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म को और जन्म लेकर के मैं जो कर्म करता हूँ उस कर्म को, जन्म और कर्म को दिव्य जान लेता है तत्व से पूरा पूरा, वह व्यक्ति यह देह छोड़ने के बाद फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है और मेरे नित्य धाम में आ जाता है। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न येति, देह छोड़ने के बाद वह पुनर्जन्म नहीं लेता है भौतिक जगत में, माम येति, मेरे पास आ जाता है। तो भगवान तो रहते हैं दिव्य धाम में, वो भगवान के पास चला जाता है। एक श्लोक में कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। जो केवल मेरे जन्म और कर्म को दिव्य जान लेता है तत्व से, वो ये देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म न येति, माम येति, पुनर्जन्म में नहीं आता है, भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है, माम येति, मेरे पास आ जाता है। ये पुनर्जन्म होना बहुत बड़ा दुख है, इस संसार में रहना बड़ा कष्ट है, तो इस कष्ट को मिटाने का प्रयास करना चाहिए सबको। यही प्रहलाद महाराज का उपदेश है, यही चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। जारे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश, जिसको देखिए उसको बताइए कृष्ण का उपदेश, मतलब भगवद गीता। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत बढ़िया प्रवचन महाराज। जैसे आप बोले कि प्रचार करना चाहिए, तो हम लोगों को ऐसे उत्साह होने से ना प्रचार करेंगे? प्रचार करने के लिए मौन होना चाहिए कि प्रचार करूंगा, लेकिन उत्साह हमारे हृदय में कैसे उत्पन्न होगा कि हम उसका उपाय मालूम नहीं? भगवान प्रचार करने के लिए कहे और क्या प्रसार करना है इसको भी बता दिए। अब उत्साह वो तो आपकी चीज है, आप खाने में सोने में उत्साह रखते हैं, उसके बदले गीता पढ़ने में और गीता के श्लोकों की व्याख्या करने का उत्साह रखिए, उसके लिए क्या कहा जाए? उत्साह क्यों नहीं है? जब भगवान प्रचार करने की आज्ञा दिए हैं और प्रचार के विषय भी बोल दिए हैं, स्वयं गीता दे दिए हैं और बहुत से भक्त भी हो गए हैं इस कांड में, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सारा एसेट दे दिए हैं भगवान, श्रील प्रभुपाद जी दे दिए हैं, फिर भी उत्साह क्यों नहीं है? उत्साह रखिए। हमारे सामने इतने भक्त बैठे हैं, ये सब प्रचार करने से ही हो गए ना, तो उत्साह बढ़ना चाहिए, उत्साह मत खोइए। गृहस्थी को अपना जो समय है वो कितना मतलब एडजस्ट करके रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने हमें इस समझो रखा है गृहस्थ जीवन में, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी जो मेरी है मतलब मेरे ऊपर है जिम्मेदारी है, तो एक भक्ति के लिए कुछ समय निर्धारित करना चाहिए या बस ऐसे ही चलते चलना चाहिए? करना चाहिए। जैसे सोने के लिए समय निर्धारित किए हैं, जैसे ऑफिस जाने के लिए रखे हैं समय, तो ऐसे भक्ति के लिए कुछ समय रखना चाहिए। ये जीवन पूरा भक्ति के लिए ही है, लेकिन उसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ब्राह्म मुहूर्त में सवेरे जिसको मंगला आरती कहते हैं यहाँ होती है, गृहस्थों के लिए बड़ा सुंदर उपदेश है मंगला आरती करना और भगवान का कीर्तन करना, भगवान के विषय में जो साहित्य है भगवद गीता श्रीमद् भागवतम उसको कुछ पढ़ना। यदि प्रतिदिन व्यक्ति 15 मिनट भी पढ़े तब भी उसका परम हित होगा। रोज रोज पढ़ना चाहिए, रोज रोज कथा सुननी चाहिए, रोज दर्शन करना, जैसे भगवान का मंदिर में दर्शन। जैसे आदमी ऑफिस जाता है वो किस लिए जाता है? कि हमको कुछ पैसा मिले, इसके लिए काम करता है। तो मंदिर जाना तो ऑफिस जाने की अपेक्षा हजारों गुना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान का दर्शन होता है, भगवान के भक्तों का दर्शन होता है और उनके मुख से भगवान की वार्ता सुनने को मिलती है, भगवान का नाम सुनने को मिलता है। इस तरह से एडजस्ट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना एडजस्ट किए जब मन में आवे तब नाम ले लिया, नहीं, कुछ निश्चित समय होना चाहिए कि हमें इस समय भक्ति करनी है, भगवान का नाम जपना है। जिम्मेवारी होनी चाहिए। गृहस्थ जीवन
जिम्मेवारी का जीवन है, जिम्मेवारी ले लेने से भक्ति होती है, ये बहुत जरूरी है। कुछ निश्चित मात्रा होनी चाहिए कि हम इतना जप करेंगे, जैसे हमारी संस्था में इस्कान में यह नियम है कि 16 माला नाम भगवान का जपना है, जिसमें लगभग 2 घंटा लगता है। यह प्रत्येक भक्त के लिए अनिवार्य नियम है। हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जपनी है। वह 2 घंटा कौन सा समय रखेंगे, ये सब व्यक्तिगत सुविधा पर निर्भर है। कोई व्यक्ति सवेरे कर लेता है, कोई कुछ दिन चढ़ने पर करता है, जिसको जैसी फुर्सत होती है उसके अनुसार एडजस्ट करता है। जैसे मंदिर आने की सब समय सुविधा नहीं होती है, तो छुट्टी के दिन में संडे को जरूर आते हैं। पर वह काफी है, सप्ताह में एक दिन भी मंदिर में आना ये बहुत लाभप्रद है। भक्तों को देख करके उत्साह बढ़ता है। और कभी कभी विशेष छुट्टी के अवसर पर भगवान के धाम की यात्रा करना, जैसे मायापुर धाम है, द्वारका धाम है, वृंदावन, हरिद्वार जाना चाहिए। वहाँ पर लोगों को देख करके भी उत्साह बढ़ता है। वृंदावन में आने पर एक सत्य घटना है। हमारे गांव की कुछ स्त्रियां आई थीं, तो उन लोगों ने देखा कि इतनी स्त्रियां माला जपती हैं, माला झोली रखी हैं, तो उन लोगों को ये सिखाना नहीं पड़ा कि माला जपो, देख करके सीख लिया। सभी स्त्रियां वृंदावन में माला झोली रखती हैं, तो उनको केवल देख करके उन लोगों ने जपना चालू कर दिया। तो ये प्रभाव होता है देखने का, इसीलिए धाम में जाना चाहिए कभी कभी। और यदि अपने गांव में मंदिर है, जैसे यहाँ बॉम्बे में है, तब तो कहना ही क्या, रोज जा सकते हैं। और कम से कम संडे को तो चले ही जाएंगे। इस तरह से प्रयास करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी भगवान के भक्ति में विकास करें, भक्ति बढ़े, हमारा मन लग जाए कृष्ण में। प्रयास में लगे रहना चाहिए, जब अवसर मिले, कोई विशेष फेस्टिवल हो, जैसे रथ यात्रा या श्रीमद् भागवत का प्रवचन, तो सब काम छोड़ करके अटेंड करना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है, भक्ति बढ़ती है।
आपने बहुत अच्छा पूछा कि हम लोग गृहस्थ हैं तो हमको कुछ टाइम निश्चित करना चाहिए या स्वतंत्र ऐसे करना चाहिए, लेकिन निश्चित टाइम आप स्वयं करेंगे हरे कृष्णा महाराज। महाराज जी मेरा सवाल ये है कि भक्तों के समाज में भी हम देखते हैं कि भक्त कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हेल्थ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं, पर भगवान भक्तों की रक्षण करते हैं, तो ये हमको कैसे समझना है, किस प्रकार भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं? इसको तो प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, भगवान रक्षा कर रहे हैं। यदि भगवान भक्तों की संगति दे रहे हैं तो ये रक्षा ही है। ये संसार में बहुत खतरा है, आप कभी कभी सुनते हैं आतंकवादी इस जगह पर घुस गए और इतने लोगों को मार दिए, यहाँ भूकंप हो गया, शहर के शहर धस गए, तो इन सब संकटों से भगवान बचा करके और जीवन रखे हैं, भक्ति करने का अवसर दे रहे हैं, यही भगवान की कृपा है, रक्षा है। इस संसार में पग पग पर खतरा है, हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानने से ही मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी, तो मानो अगर प्रचार करते समय अगर हम ये किसको बता रहे हैं और फिर कोई अगर ऐसे ये तर्क करता है कि हाँ ठीक है ये मैंने जान लिया है तो मुझे अब जप और भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका हम क्या जवाब दे सकते हैं? जान लिया तो भक्ति करने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जानेगा तो और अच्छा से करेगा। जानना बहुत जरूरी है, कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है और वे क्यों जगत में प्रकट होते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। जानने से ही भगवान में भक्ति होती है, जानने से ही प्रेम होता है। जानना पहले जरूरी है और जान लेने के बाद तो और क्या करना होगा वो तो स्वयं जान जाता है, उसकी भक्ति बढ़ जाती है जानने पर। सारी गलती हो रही है कि कृष्ण की जानकारी लोगों को नहीं है, इसलिए यही सबसे बड़ा उपकार है कि लोगों को बताना, कृष्ण के जन्म कर्म को बताना, श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा, भागवत के द्वारा बताना जरूरी है। hmm.
भगवान पर विश्वास रखिए। श्रील प्रभुपाद जैसे भक्तों ने कहा कि संसार में विश्व युद्ध का खतरा रहता है, तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम भय मत करो, नृसिंह भगवान का स्मरण करो, भगवान रक्षक हैं। वैसे उतना खतरा नहीं है जितना प्रहलाद महाराज पर खतरा था। गर्भ में है और उसी समय से खतरा है। और खतरा पहले देवराज इंद्र से, इसके बाद अपने पिता से, पर फिर भी वो बच्चे पर श्री नृसिंह भगवान की दया से। तो बहुत खतरा है वास्तव में, लेकिन भक्तों को नहीं डरना चाहिए, भक्ति में लगे रहना चाहिए, क्योंकि खतरा से ज़्यादा रक्षक महत्वपूर्ण है। रक्षा करने वाले श्री नृसिंह भगवान हैं, बहुत बड़े हिंसक हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस को भगवान ने क्षण भर में चीर दिया। खतरा है, लेकिन खतरा से बचाने वाला बहुत तगड़ा है। नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है भगवान का नाम जपने की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। अच्छा ठीक है, जय श्री प्रभुपाद।